बट द फैक्ट इज कि बाबर के पास ये वर्ल्ड कप था और एक क्रिकेटर का ना ड्रीम होता है कि मैं मतलब जहां पर नीचे लग गई टीम इतना बड़ा मैच और मैं जाऊंगा जिताऊंगा यार आज 164 रन आपके ओपनर से दी थी 21 ओवर में आप 368 चेज कर रहे हो यार विच इज इम्पॉसिबल मैं मानता हूं इम्पॉसिबल है पर ऐसा नहीं है कि 368 कभी चेज नहीं आपके ओपनरों ने हम तो कहते 50 रन देने 134 दिए 21 ओवर में वहां पर सिंपल मैथ क्या कहती है 234 रन रह गए 29 ओवर है और विराट के पास दो बहुत बड़े हथियार बल्ले के अलावा एक तो है उनके माइंड में जो कैलकुलेटर होता है और उनके हाथों में जो कंपस होता है वो कंपस पूरा घूमता ना 360 कहां पे लेके जाना है बाबर को ना आज मैच जिताना है बट मैच ना जिताते लेके जा बाबर ऐसा नहीं है कि हल्के प्लेयर है मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज के बाद डिबेट हम तो चलो छोड़ो भाई हमने मैंने डिबेट में कभी ये नहीं कहा था बाबर विराट से बड़े आपने भी किसी ने नहीं बट डिबेट चलता था होती थी ये चलता था फैब फोर में अब नए बाबर आ गए हैं और भाई विराट कोहली आज भी ना नहीं विराट कोहली तो सब कोसो लेकिन विराट मैं कह रहा हूँ खराब दौर विराट नहीं खेला नहीं वो छोड़ दो खराब सौ नहीं आ रहे थे ना खराब दौर में तो आ ही रहे थे ना द्वारा दौर अब पहले 13-14 महीने का यार उफ सर अगर विराट आज जो बैटिंग कर रहे हैं ना मनोज ये मतलब उनकी जो जवानी का पीक था ये पीक दोबारा ये सचिन तेंदुलकर पार्ट टू है सचिन का जब लगा खत्म सचिन ने जो है दोबारा निकाला वो और वो सचिन फिर शिखर पे उसमें ज्यादा रन ठोके सर और पाकिस्तान 62 रन से मैच हार है दे वर चेजिंग 368 आपको 305 रन उनके दिख रहे हैं आपको 62 रन का फास्ट है लेकिन एक वक्त वो भी था मैं कहता हूं बाबर भी आउट हो गए एक वक्त था चचा आए चाचू आए चाचू ने आके मारे छक्के तीन मारे पहले दो खड़का एक बॉल में फिर रिजवान ने मारा फिर चाचू ने मारा भाई वो गेम फिर पाकिस्तान की लेकिन उस वक्त आप कमेंट्री सुन रहे थे हम सब सुन रहे थे वकार यूज कमेंट्री कर रहे थे तो कमेंटेटर ने पूछा वकार आप कितनी परसेंट चांस देते हो पाकिस्तान के 11 ओवर में 99 है मैं तो उसको टी20 देख रहा था कि भाई 20 ओवर में आप 180 लेते हो है ना तो आप 11 में 99 कुछ वो नेट उसमें रन रेट नहीं होता था वहां पर भी पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था बट वकार यूनिस ने क्या कहा उसने वकार यूनिस ने कहा 35% पाकिस्तान 65% क्या बोला विकेट एक ही है भाई और दूसरा सर इसमें बड़ा फैक्टर है थोड़ा पानी मिल जाएगा ये भाई एसी उसी चला दो मालूम है दबा दिया और ठंडा ज्यादा नहीं है ये देखो आप ठीक रखे नहीं वो आ जाएगा लेकिन आई थिंक इज्जत सर चर्चा कर रहे थे जब विराट और बाबर लेके हुआ तो आई थिंक मुझे अच्छे से याद है 2010 के बाद अगर आप देखोगे आई थिंक जो मैं मतलब मेरा नजरिया है शायद एक क्रिकेटर आया था हाशिम अब्दुल्ला जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करे तो दूसरे एबीडी से आया था तीसरा विराट कोहली लिखा क्योंकि ये दो खिलाड़ी थे जो व्हाइट बॉल में अंदर भी थे कंसिस्टेंसी वाइज युवराज सिंह इसने रोहित शर्मा का जिक्र किया था एक टाइम पे रोहित शर्मा 10 के पहले सर देखो विराट बाबर कहते ना इस वक्त दुनिया में वो सर अलग कैटेगरी है आसपास है रोहित शर्मा बट आई एम सॉरी मैं रोहित को आसपास नहीं कहूंगा रोहित ने भी मतलब आग लगाई है बने वो विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी है ना तो वो एक ही है बिल्कुल रोहित शर्मा को लेकर एक सुपर चैट नहीं आया था उन्होंने भाई रोहित थोड़ा सा और सोच समझ कर जो वो स्टार्ट देते हैं उस हिसाब की तरह ना खेले तो उनके भी 40-100 होते भाई रोहित शर्मा के कितने 100 और कितने 50 तो आप ऐसे मिस करोगे कि यार वो 48 पर और 90 पर खड़का के आउट हो गए तो 100 अगर 50 से आप रोहित को आंकोगे तो फिर वो 3 डबल सेंचुरी का हिसाब कौन देगा बट इसमें यही चीज है क्योंकि जब इफ्तिकार भी खेले थे या फिर बाबर आजम जब आए उस टाइम मेजेंडा में लाइव भी थे तो एक सवाल सिंपल से मेरे मन में था कि भाई पैट कमिंस जैंपा को क्यों नहीं ला रहे क्योंकि जैंपा के लिए आज जो एक बात भी करी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े टाइम पहले भी मैंने देखा था और मैं कहता भी था कि भले आपके जितवाऊंगा तो जैंपा भले ही टेस्ट मैच में बिठाई हुई बट जैंपा ने बताया कि रियल किंग वो है कमबैक भी क्या है और आज द मोमेंट आपको बाबर आजम की विकेट वहां पर दिलाए इफ्तिकार जहां पर डेंजरस होते हैं उनकी विकेट और दोनों मतलब रिजवान तो चलो बाद में वो अर्न करना पड़ सकता है आपको विकेट बट कहीं ना कहीं बाबर को रिस्ट पिन पकड़ने में दिक्कत होती है हाथ से उनको दिक्कत होती है इफ्तिकार को भी और ज्यादा कमजोरी होती है और फिर वही इफ्तिकार का जो इंटरव्यू भी चला जिस पर हमने बात भी करी थी कि वो कहते हैं कि हम बहुत बेहतर खेलते हैं स्पिन को तो ये बेहतर खेलते हैं देखो अब 350 प्लस के टारगेट जो चेज होते हैं वो कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तभी होंगे चेज ऐसे नहीं कि आप बॉल बाय बॉल खेलते गए रन बनते गए आपके ओपनर ने स्टार्ट दे दिया लेकिन फिर आपको नीचे से चाहिए थी वैसी पारी की जो एक एंड तक ये आप यही बैठे आपने बोला था कि हो जाएगा उस वक्त जब जिस हिसाब से मैं ज्योतिष और मौलवी तो हूं मैंने बोल दिया
हो जाएगा और इस हिसाब से तो मैं वर्ल्ड कप भी जिता दिया धीरज भाई। लेकिन बात यह है ना कि यार मेरी सुनते अगर इफ्तिकार तो ले जाते गेम को एंड। लेकिन जब आप भी मैच देख रहे हो, आप भी बोल रहे हो, आप भी एक अपनी राय दे रहे हो, तो फिर अब मैंने जैसे और मिचेल मार्श मेरे कप्तान, तो उस हिसाब से मेरा ठीक रहा। अदरवाइज इस तरह के गेम ना 368 370 या किसी दो बल्लेबाज को या तो आप बड़ी इनिंग देखते हो या तो फिर पूरी टीम की तरह कंट्रीब्यूशन आप देखते हो। बट वही बात कोशिश करी मैच फंसाने की, हाँ। मैच मतलब देने की, अभी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा। बट निर्भय आज बहुत बड़ा फर्क निकलकर एडम ज़ैम्पा आए हैं। ज़ैम्पा ने जो दबाव बनाया ऊपर में जब रन बनते थे तब भी, और जब आकर उन्होंने विकेट ली तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी जिस स्टेज पर वो विकेट आई है, वो बड़ी क्रूशियल रही है। ज़ैम्पा ने स्पेल डाला है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा प्लस है कि दो बैक टू बैक गेम्स में ज़ैम्पा ने ऐसी बॉल डाली है। बट फिर भी मतलब ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया खेला, बट आज भी ऑस्ट्रेलिया मतलब मैं अगर दोनों देखो, आप अगर पहली इनिंग उठाओ एक अच्छी शुरुआत होती है और फिर एक बुरा अहम नतीजा दिखता है। पाकिस्तान की इनिंग उठाओगे आप एक अच्छी शुरुआत होगी, बल्लेबाजी दिखती है, लेकिन बाद में नतीजा जो आता है वो बड़ा खराब जाता है। ये है कि आज जो पाकिस्तान हारा है वो 70% या 60% ऑस्ट्रेलिया से हारा है। ऐसा भी नहीं कि कोई वैसा ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये होता तो स्टार्ट में ही खत्म कर देता इनको, बट ये जरूर रहेगा कि पाकिस्तान को तो अब क्या बोले, खैर उनकी टीम देखते हैं क्या रहते हैं। और टॉप छह टीमें जो वही दिख रही है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्हीं छह टीमों के बीच में असली रेस है, तो सर यहाँ से लग रहा है कि अब शुरू हुआ है वर्ल्ड कप, क्योंकि नीचे की चार टीमें होगी नहीं, टॉप सिक्स मतलब असली रेस चार की। ऑस्ट्रेलिया जो नीचे पड़ी थी चौथे नंबर पहुंच गई, छह नंबर पर इंग्लैंड है, एनआरआर भी तो इंप्रूव हुआ होगा। और देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, चलो अभी तो पॉइंट्स टैली भी देख लेंगे, ये भी देखेंगे पाकिस्तान ने किस किस को खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने किस किस को खेला है। फैक्ट इज कि चार चार मैच हो गए दोनों टीमों के, वो दो दो जीते और दो दो हारे। ऑस्ट्रेलिया किस किस से हारा है, इंडिया साउथ अफ्रीका जो बॉक्स पे दिख रही है, और पाकिस्तान किससे हारा, ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया किस किस को जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया एक गेम, श्रीलंका और पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत लिया श्रीलंका। सो विच मीन्स कि पाकिस्तान को जो अगले पांच मैच खेलने हैं मुश्किल है, वो खेला इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तीन अच्छी टीम है। अफगानिस्तान मंडे उनका ट्रिकी मैच होगा आज के रिजल्ट के बाद, और बांग्लादेश जो वो जीते, जो वो बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा भी देते हैं, इन पांच में से आप अगर तीन मैच पाकिस्तान जीतता है तो वो पांच जीत पे आपकी किस्मत, नेट रन रेट और वो गिर गया से ही जा सकते हो, कुदरत का निजाम ठीक है। लेकिन तीन जीत और चाहिए भी, तो आप अफगानिस्तान को भी हरा दो, बांग्लादेश को भी हरा दो, तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में से एक तो जीतना होगा, श्योर शॉट होने के लिए दो जीत, वही जीत वो मुश्किल लगते हैं, वो मुश्किल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप भी उसी सिचुएशन में हो, ऑस्ट्रेलिया भी अगर ये सोचे कि मैं पांच पे चले जाऊं, मतलब अगले पांच में तीन और जीत जाऊं, उनके मैच किस किसके साथ है, एक उनका ऑब्वियसली उनके इंग्लैंड वाला मैच है जो कि ट्रिकी कॉन्टेक्स्ट में, फिर नीदरलैंड्स में उनको खेलना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीदरलैंड उनको जीतना चाहिए। और जो उनका लास्ट की गेम है अच्छी, कि लास्ट गेम तो उनको इजी मिले कंपैरेटिवली, एक उनको और जीतना है तो वो तो छह पे भी जा सकते हैं बिल्कुल। सो ऑस्ट्रेलिया आर बेटर प्लेस्ड क्वालिफाई करने के लिए, पाकिस्तान मुझे अब टॉप चार में जाती नहीं दिख रही है। मैं फिर अगेन आज से, आज का डेट है आज से 41 दिन पहले या 42 दिन पहले, 9 सितंबर जब मैं कोलंबो से लाइव था आप लोगों के साथ, तकरीबन 90,000 लोग थे हमारे साथ मैच से एक रात पहले, अभी भी शायद होंगे, तो हमने कहा था जी पाकिस्तान तो कमाल कर रही है, एशिया कप में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है और ये टॉप चार की टीम है, पर वो दो दिन के मैच ना अपसेट कर दिया। आई डोंट थिंक अभी ये टॉप चार में जाते दिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी फैंस। आई थिंक बाबर अगर अपने बेस्ट पे नहीं है तो ये टीम नहीं जाएगी। बट बाबर का वही सर मतलब कि बड़ा एक जिसे हम क्या होते हैं, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन।